हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज है डे 50 डेली फार्मा एमसीक्यू सी क्यू सीरीज़ का जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन विद वीकली एंड मंथली रिवीजन तो हर चार हफ्ते के बाद में हम मंथली रिविज़न करते हैं जो भी हमने लास्ट फोर वीक्स में एम क्वेश्चन डिस्कस किए होते हैं उनकी एक फास्ट रिविज़न इस पर्टिकुलर डे पर रहती है तो so, आज की इस वीडियो में हम 200 हंड्रेड एम सी की क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जो कि हमने अभी लास्ट फोर वीक्स में डिस्कस किए हैं सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से सो द क्वेश्चन इज एन अनइक्ल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस सर्फेस ऑफ द टेबलेट इज कॉल्ड सो टैबलेट के सर्फेस पे अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कलर की कहलाती है मोटलिंग सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए स्टैंड फॉर एन डी ए आपका रहता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट पार्टिकल साइज ऑफ माइक्रो कैप्सूल यूजिंग सॉल्वेंट इवेपोरेशन इज सो सॉल्वेंट इवेपोरेशन टेक्निक से अप्रोक्सीमेट पार्टिकल साइज कितना रहता है माइक्रो कैप्सूल का सो so, ये आपका रहता है फाइव टू फाइव थाउजेंड माइक्रोमीटर सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल तो ब्लड बैंक जो है वो आपका शेड्यूल एफ में आता है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टैबलेट ऑफ एसेक्लोफिनिक इज गिवन टू अ पेशेंट द डोज ऑफ एसेक्लोफिनिक वॉज टू हंड्रेड एम जी आफ्टर टू आवर्स द कंसनट्रेशन वॉज फाउंड टू बी टेन माइक्रोग्राम पर एम एल वाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेक्लोफिनक तो यहाँ पे हमें डोज दी गई है टैबलेट की कि टू हंड्रेड एम डोज जो है वो एसिक्लोफिनेक की है एंड कंसनट्रेशन दी गई है टेन माइक्रोग्राम पर एम पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिंपल रहता है डोज डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन सिंपल वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे एंड आपका आंसर जो है वो आ जाएगा ट्वेंटी लीटर्स तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एन टू रिएक्शन फास्ट विद एस एन टू रिएक्शन जो है वो आपका प्राइमरी अल्काइल हेलाइट के साथ फास्ट रहता है सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम वन में अलक्लोर दिया गया है कॉलम टू में उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं इनको करेक्टली मैच करना है तो so, सबसे पहले आपका आता है सिंकोना सिंकोना में आपका अल्कोलोइड जो है वो प्रेजेंट होता है देन आता है आपका ओपीएम ओपीएम में आपका जो प्रेजेंट होता है ओपीएम कंटेन्स मॉर्फिन सो ए विल मैच विद टू एंड मॉर्फिन जो है वो आपका ओपीएम जो है वो मॉर्फिन के साथ मीन्स बी फोर के साथ सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी कैंसल हो जाएगा एरगेट में आपका एर्गो होता है सो एंड देन आपका आता है रो वोल्फिया इज रिसरपिन एंड नक्स इज़

तो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलकम पाउडर इज कॉमनली स्टरलाइज बाय टेलकम पाउडर को स्टरलाइज किया जाता है ड्राई हीट से तो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलियोजिनस बेस फॉर सपोजिट्रीज सपोजिट्रीज के लिए ऑलियोजिनस बेस आपका कोकोआ वर्टर रहता है सिंथेटिक फैट एज वेल एज हाइड्रोजिनेटेड पाम कर्नल ऑयल इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ अवर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ ड्राई ग्लेसिन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सुलस तो ये रेशो आपकी रहती है जीरो पॉइंट फोर इज टू वन तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी ग्लोबुलिन और कोम्स टेस्ट इज फॉर तो एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट जो है वो आपका रहता है ब्रूसिलोस के लिए यानी कि डिटेक्शन ऑफ नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ रियोग्राम ऑफ अ प्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड तो प्लास्टिक फ्लो में जो स्लोप रहती है रियोग्राम की वो आपकी रहती है मोबिलिटी सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग सो इसमें अगेन अल्कोलेट दिए गए हैं कॉलम वन में कॉलम टू में फैमिली दी गई है इनको करेक्टली मैच करना है तो so, सिंकोना जो है इसकी फैमिली होती है रूविएसी ओ पी ओ की फैमिली रहती है एसी एयरगेट की फैमिली रहती है ग्रामीण है एरगेट में आपकी क्लेविसेपिटेसी फंगस की रहती है एंड ड्राई प्लांट की ग्रामीण है रो वॉल्फिया की आपकी होती है एपोसाइनसियन नक्स बॉमिकाइज लोगर न्यासी तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप ट्यूब इन द ए एरोजोल इज जनरली मेड अप ऑफ सो एरोजोल कंटेनर में जो डिप ट्यूब होती है वो आपकी पोली से बनी होती है एज वेल एज पोलिथाइलिन से भी तो इसमें आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन मिलेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने पुलिप्रोपाइलिन ऑप्शन जो है वो लगाना है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम स्टेरेट इज़ यूज है सो मैग्नीशियम स्टेरेट जो है वो आपका यूज होता है एज एन एंटी एडहरेंट तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकरिक एसिड इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ तो पिकरिक एसिड की केमिकल कंपोजिशन जो है वो आपका हैगर्स रेजेंट जो है इट इज़ पिकरिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटरी आर कंटेंड इन सो पेटेंट एंड के जो वो आपके शेड्यूल वी में दिए गए हैं so, इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमेक्टेंट्स मीन्स सो ह्यूमेक्टेंट का मीनिंग क्या होता है तो ह्यूमेक्टेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द क्रीम सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विद शेड्यूल तो ये आपके शेड्यूल यू वन में दिए है रहते हैं सो so, इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट यहीं पर अगर ड्रग्स की आएगी दैट विल बी यू नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एन वन रिएक्शन फास्ट विद एस एन वन रिएक्शन जो है वह आपका टर्शडी अलकाइल हेलाइट के साथ फास्ट होता है सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है Zolmitriptin is given IV to the patient in dose of 1.2 mg per kg, area under curve is 450. Same drug was given as oral sustained release tablet in dose 8.0 mg per kg, area under curve is 1040. What is the absolute Y availability of sustained release tablet? So, this absolute Y availability by F. Se. So, it is equal to. डोज ऑफ आई वी इंटू एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल डिवाइडेड बाय डोज ऑफ ओरल मल्टीप्लाई वाई एरिया अंडर कर्व ऑफ आई वी तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आप वैल्यू सब्स्यूट करेंगे आई वी की डोज जो है वो आपकी रहेगी वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई वाई एरिया अंडर एंडरकर्व ओरल के लिए 1040 डिवाइडेड बाय डोज आपकी ओरल के लिए है 8.0 पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई एरिया एंडरकर्व आई बी के लिए 450 फिफ्टी so, सो यहाँ से आप सिंपली वैल्यूज एंटर करेंगे एंड आपका फाइनल आंसर जो है वो आपका रहेगा 35 फाइव परसेंट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द सर्फेस्ट एरिया ऑफ पार्टिकल सर्फिस एरी ऑफ पार्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए मेथड आपका रहता है और द ऑप्शन मैथड सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अल्कोलॉयस अल्कोलॉय्स की बायोसिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटीरियल सबसे पहले आपका ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन आपका इंडोल अल्कोलोइड्स के लिए रहता है ऑर्निथिन आपका ट्रोपिन अल्कोलोइ्स के लिए टायरोसिन जो है वो आपका आइसोकिनोलिन नोलिन अल्कोलोइड्स के लिए तो so, इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिविटी ऑफ डिपथेरिया तो डिप्थेरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट रहता है तो so, इसके लिए शिक टेस्ट रहता है सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज इन मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में बायोलॉजिकल इंडिकेटर इज क्लोस्ट्राइडियम सोस्मा ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो जेल इज अ टाइप ऑफ सो जीरो जेल जो है वह आपका जेलिस का एक टाइप रहता है सोस्मा ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर द फॉलिंग इज नॉट यूज एज एन एंटी डेंडरफ एजेंट इन शैम्पूज शैम्पूज में एज एन एंटी एजेंट कौन सा यूज नहीं होता है so, इसमें आपका जिंक पायरुवेट जो है इट इज नॉट यूज एज एन क्वेश्चन है, अपेंडिक्स टू इज अबाउट अपेंडिक्स टू जो है दैट कंटेन्स फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय सो पैलेट्स की फिलिंग कैप्सूल्स में ये आपकी की जाती है विद द हेल्प ऑफ रोटोफिल सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन ऑफ अडिशन रिएक्शन फॉलोज सो ओरिएंटेशन ऑफ अडिशन रिएक्शन इट फॉलोज मारकोबनिको रूल सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रिनोल्स नंबर फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ अ फ्लूड इज स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रिनोर्स नंबर लेस देन जीरो पॉइंट टू सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ ज्विटर आइनिक सर्फेक्टेंट लेसिथिन जो है वो आपका ज्विटर सर्फेक्टेंट होता है तो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टी शेप ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन सो टी शेप ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं पाइरे में सो so इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मायरोगज्जाइलिन वेल्सम इज़ द ऑफिशियल सोर्स ऑफ तो मायरोगाइलन वेल्सम जो है वो वालसम ऑफ तोलू यानी कि तोलू वालसम का ऑफिशियल सोर्स है सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन ऑफ प्रोपलेंट इलेवन रेफर्स टू सो प्रोपलेंट इलेवन का न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन जो है इट रेफर्स टू ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोन सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्स वामिका सीड कंटेन्स नक्स वामिका सीड जो है दे कंटेन यूनिसेलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकॉम्स सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डाइजिपाम इज डाइजीपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट इज नोर डाइजीपाम सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईहाइड्रोपेडीन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सो ये आपका रहता है निफेडिपिन, निफेडिपिन इज द रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा फर्टिडा इज ऑप्टेन फ्रॉम, ऐसा फर्टिडा जो है वो आपका ऑप्टेन होता है फ्रॉम अफगानिस्तान सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एल इज यूज अगेंस्ट विच मेटल पॉइजनिंग तो ब्रिटिश एंटील्युसाइड दैट इज बी एल ये आपका यूज किया जाता है मर्की पॉइजनिंग के केस में सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ रोशल सॉल्ट इज रोशल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या रहता है सो इट इज सी फोर एच फोर ओ सिक्स के एन ए डॉट फोर एच टू ओ तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन डाइवाथ इज फॉर तो ये आपकी एम्प्यूल्स की ऑटोक्लेविंग जो है डाइवाथ में ये आपकी रहती है लीक टेस्टिंग में सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी कैंसर ड्रग्स किल कैंसर सेल्स वाई तो जो आपके एंटी कैंसर सेल्स होते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं वो आपके कैंसर सेल्स को किल करते हैं बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय सो डोपामाइन आपका माओ ए एंड माओ बी इन दोनों से डिग्रेड हो जाता है तो so इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ तो टिंडलाइजेशन प्रोसेस जो है इट इज़ स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर थ्री डेज सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मे कोर्ज साइक्लोप्लेजिया वेन यूज टॉपिकली इन द आई इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका साइक्लोप्लेजिया कोर्स करेगा जब इसको टॉपिकली यूज़ किया जाता है आई में तो so, ये आपका रहता है एट्रोपिन सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्सर्ट एक्शन एक्शन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ सो जो है है वो अपना करता एस एनजाइम को इनहिबिट करके जो कि आपका एनजियोटेंसिन वन को एनजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करता है तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रम में जो लार्जेस्ट पीक होती है वो आपकी रहती है बे स्पीक सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रियोनम इज अस्ट्रियोनम इज मोनोवेक्टम सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू सो बायो अवेलेबिलिटी क्या रहती है, so है ड्रग का जो की सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है सो इट इज द मेजर ऑफ द रेट एंड अमाउंट ऑफ थे एक्टिव ड्रग ट रीच इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाफ लाइफ इज रिक्वायर्ड टू डिस इंटीग्रेट नाइंटी परसेंट ऑफ अ ड्रग नाइन्टी परसेंट ड्रग को डिस इंटीग्रेट करने के लिए कितनी हाफ लाइफ रिक्वायर्ड रहती तो इसमें फोर हाफ लाइफ्स जो है वो रिक्वायर्ड रहती है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेशेंट विथ ग्लुकोज सिक्स फॉस्फेट डीहाइड्रोजीनियस डेफिशियं इफ ट्रीटेड विद डेफोन विल डेवलप सो so, कोई पेशेंट जो है उसमें ग्लूकोस सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी है सो so, अगर उसको डेप्सोन के साथ ट्रीट किया जाएगा सो इट विल कोज हेमोलाइटिक अनिमिया सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट्स रेफर्स टू सो डॉट्स आपका होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स टी के लिए ट्रीटमेंट थेरेपी रहती है सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ सीरोन इन अपटेक इज बाय सो इट इज डन बाय फ्लोटिन इट इज अलेक्टिव सीरोटॉन इन रीअपटेक इनहिबिटर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटोवे इज यूज टू मेजर रोटोवे जो है वो कैप्सूल्स की वेइंग के लिए यूज किया जाती so है मशीन सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्स्ट ऑफ प्रोसेस कैन बी यूज टू वर्स्ट ऑफ प्रोसेस जो है वो आपका टेबलेट कोटिंग के लिए यूज किया जाता है सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इमर्शन कंटेनिंग मोर देन टू फेजे और कॉल्ड सो ऐसी इमर्शन जिसमें दो से ज्यादा फेजेज रहते हैं ऐसे इमर्शंस को मल्टीपल इमर्शन कहा जाता है सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है केलर क्लियानी के टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सो so, केलर क्लियनि के टेस्ट डिजिटेलिस के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज तो ह्यूमन बॉडी में आयरन की स्टोरेज फॉर्म क्या रहती है सो द स्टोरेज फॉर्म इज सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू एक्शन ऑन क्लोनिडिन का जो हाइपोटेंसिव एक्शन रहता है दैट इज ड्यू टू द एक्शन ऑन अल्फा एड रिसेप्टर अल्फा टू रिसेप्टर पे एक्ट करता है सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्लिटी टेस्टिंग ऑफ सर्जिकल स्विचर मटीरियल रिक्वायर्स इनक्यूबेशन फॉर सो सर्जिकल स्विचर मटीरियल के लिए जो स्टर्लिटी टेस्टिंग रहती है उसमें इनक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है तो इनक्यूबेशन पीरियड इज ऑफ फोर्टीन डेज तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द डोज फॉर सिक्स मंथ ओल्ड इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग अडल्ट डोज ऑफ थ्री हंड्रेड एम जी सो इस क्वेश्चन में एज दी गई है सिक्स मंथ्स में एंड चाइल्ड डोज हमें कैलकुलेट करनी है जिसमें आपकी अडल्ट डोज जो है वो कितनी दी गई है थ्री हंड्रड एम जी सो इस केस में आपका फॉर्मूला लगेगा फ्राइड रूल फ्राइड रूल इसमें अप्लाई होगा जिसमें आपकी एज दी गई है मंथ्स में सो so, इस केस में आपका चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 फिफ्टी इन टू अडल्ट डोज अडल्ट डोज यहाँ पर दी गई है तीन सौ ये कर जाएगा टू से एंड एज दी गई है सिक्स मंथ सो सिक्स इंटू टू इज इक्वल टू ट्वेल्व एम जी सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलोइल डिस्पर्जन इज कोलोइडल डिस्पर्जन की पार्टिकल साइज रेंज कितनी रहती है सो इट इज वन नैनोमीटर टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ बीसीज सो बीसीएस आपका होता है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनस्टेबिलिटी ऑफ इमर्शन इमल्शन की इनस्टेबिलिटी आपकी रहेगी ब्रेकिंग सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोस्कोपिक मेथड फॉर एडजस्टिंग एंड पीएच कम्स अंडर सो क्रायोस्कोपिक मेथड जो है वो पीएच को एडजस्ट करने के लिए किस क्लास में आता है सो so, ये आपका रहता है क्लास वन मेथड में सो so, इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रो वॉल्फिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सो रोवोल्फिया एंटीहाइपरटेंसिव रहता है तो so, इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डाइबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज सो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में एंटीडाइबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस आपका रहता है क्रिस्टेलाइन इंसुलिन सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्रूट्स ऑफ तो ब्लैक पेपर में आपके ड्राइड अनड्राई फ्रूट्स होते हैं पाइपर निग्रम के तो इसमें आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू सो कैलामाइन का रेडिश ब्राउन कलर फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है तो इसमें आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल सरिंजा मेड अप ऑफ डिस्पोजेबल so, सरेंजेस बनी होती हैं पोली से तो so इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सनस्क्रीन फिजिकल सनस्क्रीन आपकी होती है टिटेनियम डाइऑक्साइड ऑक्साइड तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज सो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइटोइन इज़ यूज टू ट्रीट सो फिनाइटोइन जो है वो आपका यूज़ किया जाता है एपिलेप्सी के केस में तो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सील कोटिंग इज अप्लाइड सो सील कोटिंग जो है वो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो अप्लाई की जाती है तो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन कंटेन स्टीरोडल स्ट्रक्चर सो आपका विटामिन डी जो है इसमें आपका स्टीरोडल स्ट्रक्चर रहता है तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोथिलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग फैक्टर फैक्टर ऑफ ब्लड इज तो डिपेंडेंट ब्लड का नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोटॉक्सिन तो एर्गोटॉक्सिन इट कंटेनस एर्गोक्रिप्टिन एर्गोक्रिस्टिन एर्गोकॉर्निन सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट्स इज यूजली तो टैबलेट्स की हार्डनेस रेंज जो है वो आपकी रहती है थ्री टू सेवन के जी सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव एच टी थ्री एंटागोनिस्ट यूज एज एंटी एमेटिक एजेंट इसी थ्री एंटागोनिस्ट आपका होता है ओंडा सेट्रॉन सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोर्स हाइपरग्लाइसीमिया एक्सेप्ट इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो हाइपर ग्लाइसिमिया कोज नहीं करेगा तो ये ड्रग है आपका मिगलीटोल जो कि आपका एज एन औरल एजेंट की तरह यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुबिक एसिड इज कॉल्ड सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाइरुविक एसिड में क्या लाता है ग्लाइकोलाइसिस तो इसमें ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रीन इज स्वीटर देन सुक्रोस बाय तो सेक्रीन जो है वो सुक्रोज से 500 हंड्रेड टाइम्स स्वीट रहता है तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिली लीटर्स ऑफ यू हंड्रेड इंसुलिन शुड बी यूज टू ऑप्टेन फोर्टी यूनिट्स ऑफ इंसुलिन तो इसमें आपकी फोर्टी यूनिट्स ऑफ इंसुलिन ऑप्टेन करने के लिए यू इंसुलिन की कितनी एम जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगी तो इसमें सिंपली आप फोर्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड करेंगे सो इट विल वी जीरो पॉइंट फोर एम एल so, सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इन द नेल पॉलिश में मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट कौन सा है सो इट इज सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ नॉमिनेटेड so, या इलेक्टेड मेंबर साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, so, इसमें है, so, जो है वो आपका 1948 में किया गया था. So, इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी के ऑफिनो वाविटोन सेवन पॉइंट फोर फ्रैक्शन कितनी आयनाइज होगी आयनाइज फ्रैक्शन के लिए आपका फॉर्मूला रहता है टेन एस टू पार पी एच माइनस पी के ए डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन एस टू पार पी एच माइनस पी के ए सो सिंपल कैलकुलेशन आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पी एच की हमें दी गई है पी के ए की हमें दी गई है दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी जीरो पॉइंट नाइन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड क्रीम्स आर सो कोल्ड क्रीम्स जो है वो आपकी वाटर इन ऑयल टाइप बोरेक्स क्रीम्स रहती हैं तो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम इज अ मेजरमेंट फॉर डैश ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल्स सो ब्लूम इज अ मेजरमेंट ऑफ कोहेसिवनेस ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल्स सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉफी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज सॉल्ट ऑफ सो कॉफी सीड में कैफीन जो है वो प्रेजेंट होता है एज अ सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेटाजोलामाइड इज सो एसेटाजोलामाइड जो है इट इज अ कार्बोनिक एन हाइड्रेज इनिवेटर यूज एज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वन वाइन वाइन ग्लास ग्लास फुल फुल इज सो के इक्वल रहता है सो so इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फेशियल क्रेनियल नर्व तो फेशियल क्रेनियल नर्व्स आपकी होती हैं नंबर सेवन सो so, इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोप्रियन यूनिट्स आर इन अ मोनोटोपिन तो मोनोटॉपिन में नंबर ऑफ आइसोप्रियन यूनिट्स होती हैं टू सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोलैक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप बी जेलेटिन कैप्सूल इज एट पी एच तो टाइप बी जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए आइसोलैक्ट्रिक पॉइंट फोर पॉइंट सेवन पी एच पे सो so, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सिचुएटेड है एट लखनऊ सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूड एनर्जी मिल इज फ्लूड एनर्जी मिल का वर्किंग प्रिंसिपल इंपेक्ट एंड अट्रीशन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसिप्ट गिवन बाय सेलर टू बायर हैज रिटर्न गुड्स Which can be offset against future purchases is so. This type of receipt is known as credit note. So, it's option A is correct. Next question hai, Which of the following is not a macrolide antibiotic? So, macrolide antibiotic is a vencomycin, so it is a glycoprotein. So, option D is correct. Next question. Hai, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल इज सुसाइडल बैग ऑफ सेल लाइजोजॉम को कहा जाता है तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एच एल बी वैल्यू ऑफ सरफेक्टेंट बिटवीन थर्टीन टू सिक्सटीन इज यूज एज सो तेरह से सोलह के बीच में अगर एच एल वी वैल्यू है तो ऐसा सरफेक्टेंट आपका यूज किया जाता है एज एन डिटर्जेंट सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन सो मॉर्फिन आपका प्रेजेंट होता है पापावर सोमनी फेरम में सो so इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलेडोना इज पेरेनियल पेरेवेशियस प्लांट विच इज ऑल्सो नोन एज सो वेलेडोना को डेटली नाइट शेड भी कहा जाता है सो so इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेर ऑफ ब्रेन इज सो ब्रेन की मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर कौन सी रहती है सो इट इज अरेक्नोइड मैटर सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इज कैलसीटोनिड बाय सो कैल्सिटोनिन थारॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है सो so इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्म्स अ फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर सो कौन सा ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि फ्रॉथ फॉर्मेशन करता है जब उसको वाटर के साथ शेक किया जाता है तो so, ये आपके होते हैं so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एस टी डी कोज बाय सो सिफिल्स आपका ट्रेपोनेमा पेलेडियम से कोज होता है सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सो डोज डंपिंग जो है वो आपका कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स के साथ डिसएडवांटेजेस रहती हैं तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्वीन कार्वीन का नाइट्रोजन एनालॉग कौन सा है सो इट इज नाइट्रीन ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट डैश नंबर ऑफ बॉन्स ह्यूमन बॉडी में 206 सौ छ होती हैं सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिडल ईयर हैमर शेप्ड बोन इज नोन एज तो मिडल ईयर में हैमर शेप्ड बोन आपकी रहती है मेलियस सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ टेबलेट टू कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड ऑपरेशन इज इवेलेटेड बाई यूजिंग तो ड्यूरेबिलिटी टेबलेट की फ्राइविल्टर के साथ जो है वो इवेलेट की जाती है शॉक एंड ऑपरेशन के लिए सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ कोल परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक इज़ कवर्ड अंडर सो दीज टाइप ऑफ कोल शेड्यूल क्यू सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सब लिंगुली यूज ऑर्गेनिक नाइट्रेट इज सो सब लिंगुली कौन सा ऑर्गेनिक नाइट्रेट यूज किया जाता है तो so, ये आपका नाइट्रोग्लिसिन एंड आइसोसोरवाइट डाइनाइट्रेट सो so इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोक्सेन इज मेनली मेनलींथेसाइज बाय थ्रोम्बोक्सेन जो है उसको मेनली सिंथेसाइज किया जाता है प्लेटलेट की हेल्प से सो so इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गोसबेरी इंडियन गुस्बेरी इज ऑमला नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्सड ऑइल्स कैन बी एक्सट्रेक्टेड यूजिंग सो फिक्स ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वाई यूजिंग मॉलिकुलर स्टिल सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बहेरा कंसिस्ट ऑफ ड्राई ड्राई फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया बेलेरिका विच बिलोंग्स टू फैमिली सो इसकी फैमिली रहती है कॉम्ब्री टेसी सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिसेप्टर इज यूजफुल फॉर कलर विजन कलर विजन के लिए आपके कौन रिसेप्टर जो हैं वो यूजफुल होते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ मेथड टू अचीव सुपर सेचुरेशन फॉर अ सबस्टांस हुबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर सो ऐसा मेथड जो कि सुपर सेचुरेशन को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है जिसमें जो आपका सॉलिबिलिटी जो है इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के सब्सटांस की सो so, ये मेथड है आपका शन सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉरिंग ग्रुप्स कम्स अंडर ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंडर कौन सा ग्रुप जो है वो आता है सो ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका रहता है अमाइनो ग्रुप सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वुपिंग कफ इज वुपिंग कफ के लिए कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बेसिलस पर इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल इज एन इन विट्रो टेस्ट एंड इट इज यूज इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स टू डिटेक्ट सो लिमोलेस मीवोसाइड लाइसेट टेस्ट एक इन विट्रो टेस्ट है पायरोजेंस की डिटेक्शन के लिए किया जाता है सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफोमा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विस शेड्यूल सो मेमोरेंडम सेंड करने के लिए प्रोफोमा जो है आपका शेड्यूल ए में दिया गया है सो so इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एंटीएमेटिक एजेंट टू एंटागोनाइज द डी टू रिसेप्टर डी टू रिसेप्टर्स को इंटागोनाइज करने के लिए आपका एंटीएमेटिक ड्रग रहता है मीटोक्लोप्रामाइड सो so इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टेराइल फॉर इंजेक्शन बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम पायरोजेंस

तो इसमें आपका ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एजियोटॉपिक मिक्सचर एजियोटॉपिक मिक्सचर के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है सो एजियोटॉपिक मिक्सचर में वॉलेटिलिटी हर कंपोनेंट की इक्वल रहती है रिलेटिव वॉलेटिलिटी वन रहेगी एंड इस टाइप के मिक्सचर्स को मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करना या फ्रैक्शनेट करना जो है वो काफी डिफिकल्ट रहता है सो तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट ही इसमें सही है तो ऑप्शन डी नन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जादू और कवच कम्स अंडर सो तो काला जादू और कवच जो है वो आपके शेड्यूल जे के अंडर आते हैं सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सिक्सटीन आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल सेल के लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा रहता है तो so ये आपका होता है न्यूक्लियस तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विंगम बॉडीज शो विच टाइप ऑफ फ्लो विंगम बॉडीज प्लास्टिक फ्लो शो करती हैं तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग यहाँ पे अल्कोलॉड दिए गए हैं यहाँ पे पर्टिकुलर अल्कोलॉड की क्लास तो so फर्स्ट है आपका एकोनाइट एकोनाइट इज़ अ डाइटोपिन क्लास ऑफ अल्कोलोइड देन आता है आपका एफेड्रिन, एफेड्रिन इज अमाइनो अल्कोलोइड देन है लोवेलिन लोवेलिन इज अ पाइप्रेडिन अल्कोलोइड देन है एल्गोमेट्रिन इट इज अ इंडोल अल्कोलोइड एंड हाइग्रीन इज अल्कलॉइड। अल्कोलोइड सो ए जो है वो फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है नीचे ऑप्शन देखते हैं सो so ए जो है वो आपका फर्स्ट के साथ मैच करेगा सो दिस विल बिकम ये इसमें हट जाएगा ऑप्शन एफेडिन अमाइनो क्लोइड है तो बी विल मैच विद थ्री तो ये भी आपका हट जाएगा देन लोवेलिन जो है वो आपका किसके साथ मैच कर रहा है टू एंड थ्री है यहाँ पे सो इट इज पाइप्रिड सो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग एंटीबॉडीज पेंटामर सो पेंटामर एंटीबॉडी कौन सी रहती है सो पेंटामर इज आई जी एम एंटीबॉडी तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडिमेंट्स आर फॉर्म स्लोली एंड लीडिंग टू अ हार्ड केक इन सो सेडिमेंट्स स्लोली फॉर्म होते हैं लेकिन हार्ड केक की फॉर्मेशन करते हैं डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में तो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑयल इन वाटर टाइप इमर्शन क्रीमिंग अकर्स इन डैश डायरेक्शन ऑयल एंड वाटर टाइप इमर्शन में जो क्रीमिंग है वो आपकी अब डायरेक्शन में होती है सो तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ लीव्स इज डिजिटलिस्ट लीव्स का कलर डार्क ग्रेइश ग्रीन सो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एच कैन बी डिटेक्टेड एंड कन्फर्म बाय सो एच को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से डिटेक्ट एंड कन्फर्म किया जाता है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मूलेशन इज तो टैबलेट फॉर्मूलेशन में सुपर डिसइंटीग्रेंट कौन सा रहता है सो सो इट इज सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्स्टर प्रोसेस इज ऑल्सो बेटर नोन एज वर्स्टर प्रोसेस को एयर सस्पेंशन कोटिंग भी कहा जाता है तो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एस एन टू रिएक्शन एक्सेप्ट तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट एस एन टू रिएक्शन के लिए कौन सी है तो एस एन टू रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होती है इनवर्जन ऑफ कंफ्यशन टेक्स प्लेस एंड इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन इसमें आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है रो वॉल्फिन ग्लिस कैन बी साइज रिड्यूस द बेस्ट वे ऑफ तो ग्लिसरीजा एंड ए इन दोनों को साइज रिड्यूस किया जा सकता है बाई यूजिंग कटर मिल तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंशन इज एन एग्जांपल ऑफ तो जेंशन एक बिटर ग्लाइकोसाइड है तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग तो नॉन पेरेंटल टाइप का आपका रहता है जनरल पर्पज दैट इज टाइप फोर ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एफ थ्री इज रिलेटेड विद विद्यूल एफ थ्री आपका स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइज के रिगार्डिंग है तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर सो इसमें हमें गिवन स्ट्रक्चर की एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी है आइदर आर होगी या एस होगी आर मीन्स आपका क्लोक रोटेशन होगा हाइएस्ट टू लोएस्ट की तरफ पे एंड एस जो है वो आपका एंटी क्लोकवाइज रहेगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आयोडीन है आयोडीन का सबसे ज़्यादा वेट रहता है देन आपका कार्बन कार्बन दोनों में सेम है नेक्स्ट आइटम देखते हैं नाइट्रोजन देन यहाँ पे नाइट्रोजन सो इट विल बी काउंटर क्लोगवाइज वैसे ही यहाँ पर तीनों कंपाउंड में जो है वो आपका काउंटर क्लोकवाइज़ रहता है ये मैंने आपको बता रही है कैसे होगा आप सबसे पहले देखेंगे मॉलिकुलर वेट जिसका सबसे कम होगा उसको आप हटा देंगे उसको अवे फ्रॉम प्लेन रखना होता है देन आपका हाईएस्ट टू लोएस्ट आप चलते हैं तो सबसे पहले आपका आईडिन आ गया देन आपका सी एन आ गया देन आपका सी एच आ गया तो ये आपको मूव करेगा इस टाइप से इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है दैट इज काउंटर क्लोकवाइज तो ये आपकी रहेगी एस कन्फिग्रेशन तो इसकी भी आपकी एस कन्फिग्रेशन रहेगी इस कंपाउंड की भी एस कन्फिग्रेशन रहेगी तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा इन दोनों की आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमोटेडिन एक्स एज सो फेमोटेडिन इज एस टू हिस्टमाइन एंटोगोनेस्ट इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रेक्शन फॉलोज सो इट फॉलोज सेट ऑफ रूल सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेल डिवीजन साइटोप्लाज्मिक डिविजन नॉन एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आपकी होती है साइटोकाइनेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है

एंटर कर रही है एंड सी जो है वो कंसल्ट्रेशन आपकी जो लीव कर रही है सारी एलिज आप सब्सट्यूट करके देख लेना क्या आंसर बनता है सो so, जो इसका फाइनल आंसर आपका बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी 40 एम पर मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोनो ए रिंग मैथड डोनो डिटरमाइंस सो डिटरमाइंस रिंग मैथड सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन दोनों को डिटरमाइन करता है तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ एंड बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर रेंज फॉर द डिजोल्यूशन टेस्ट एज पर आई पी इज इंडियन फार्माकोपी के अकॉर्डिंगली डिजोल्यूशन टेस्ट में टेम्परेचर रेंज रहती है थर्टी सेवन प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल्स इज डन बाय कैप्सूल्स so, में लिक्विड्स की फिलिंग जो है इट इज क्वाली सील सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टी जी इज रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ फॉर तो टीजीए जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी एजेंसी रहती है तो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फॉर ईयर्स वट इज इट्स शेल्फ लाइफ इन ईयर्स तो शेल्फ़ लाइफ हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ़ लाइफ हमें दी गई है एक चीज़ दी गई है एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्ट फार्मूला नहीं है इसका शेल्फ लाइफ आपका होता है टी नाइनटी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन जीरो फाइव डिवाइडेड बाई के ठीक है एक फार्मूला आपको ये यूज़ करना है फाइनल आंसर के लिए देन आपका के की वैल्यू होती है ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाय टी हाफ ठीक है हाफ लाइफ जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ये रहती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सो so, यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे टी हाफ आपको दिया हुआ है फोर ईयर्स एंड जो के की वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्मूला में सब्सिट्यूट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा जीरो पॉइंट सिक्स वन तो इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन गम इज ऑप्टेन फ्रॉम तो इंडियन गम ऑप्टेन होती है फ्रॉम अकेशिया अरेविका तो इसमें आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टिकोइक एसिड्स आर द मेन सर्फेस एंटीज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म टिकॉइक एसिड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के मेन सर्फेस एंटीजेंस होते हैं सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ ड्रग्स विच शेल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली कम्स अंडर सो ऐसे ड्रग्स जो कि सिर्फ मार्केटेड किए जा सकते हैं जेनरिक नेम के अंडर वो आते हैं आपके शेड्यूल डब्ल्यू के अंडर सो तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ प्रोकिन इन अ पेशेंट वाज 35 फाइव मिनट्स एंड इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज एस्टिमेटेड टू बी 60 लीटर्स द टोटल क्लियरेंस रेट ऑफ़ प्रोकेन इज तो यहाँ पे हाफ लाइफ दी गई है प्रोकेन की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो इसमें आपको क्लियरेंस रेट फाइंड आउट करना है सी तो इसमें आपका फॉर्मूला लगता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री मल्टीप्लाई वाई हाफ लाइफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ये इसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे देन आपका फाइनल आंसर जो है दैट विल बी 1.188 पॉइंट वन एट एट लीटर पर मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज स इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज रहता है तो so, ये इंटरमीडिएट आपका रहता है कार्बोकेटाइन तो इसमें आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एस जी पी टी एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एस जी पी टी एनालिसिस जो है वो लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट मार्कर है तो so इसमें आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन के आपका फैक्टर सेवन नाइन एंड टेन इन तीनों ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के सेंथेसिस को रेगुलेट करता है तो so इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन अल्सर थेरेपी कॉजेज सो so, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो कि आपके अल्सर थेरेपी में यूज किए जाते हैं दे काजेज डायरिया ऑबॉर्शन यूट्राइन ब्लीडिंग जिसमें आपका मीजोप्रोस्ट्रोल यूज होता है तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट विच इज था डायोन डेरिवेटिव इज सो ये आपका ड्रग रहता है पीओग्लेटाजोन सो तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सी जी वैक्सीन इज सी सी जी वैक्सीन आपकी लाइव एटेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन रहती है टीवर क्लॉसिस के लिए तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर रिस्पेक्टिव इनहिबिटर एंजाइम को रिस्पेक्टिव इनहिबिटर के साथ मैच करना है सो so फर्स्ट है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि आपका रहता है कैप्टोप्रिल एरोमेटेज इनहिबिटर जो है एरोमेटेज इनहिबिटर आपका रहता है एनास्ट्रोजोल देन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इट इज़ एसेटाजोलामाइड एंड एच एम जी कोजाइम ए रिडक्टेज इज लोअस्ट एटिक तो इसमें फर्स्ट जो है दैट विल बी मैचिंग विद एस तो आपका ए एंड डी कैंसल एरोज क्यू के साथ सो ऑप्शन सी भी इसमें कैंसिल हो जाएगा एंड थ्री जो है वो पी के साथ एंड फोर जो है वो आर के साथ सो so इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड इज कॉज बाय सो टाइफॉइड का कोजटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहता है सो इट इज सेलमोनेला टाइफी सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलोंग्स टू डैश फैमिली की फैमिली क्या रहती है सो इट इज इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमोटिड इन एक्ट सो फेमोटेड इन जो है इट इज अच टू हिस्टमाइन एंटागोनिस्ट सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इसमें यहाँ पे स्टेज स्टेज दिए गए हैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेज की स्टेट को करेक्टली मैच करना है सो फर्स्ट स्टेज इन जनरल एनेस्थीसिया का आपका रहता है एनर्जेसिया स्टेज देन स्टेज टू जो है वो आपका रहता है एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम स्टेज थ्री आपका रहता है सर्जिकल एनेस्थीसिया का एंड स्टेज फोर इज मेडुलरी पैरालिसिस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है पोविडोन आइडीन कंटेन्स डैश परसेंट ऑफ अवेलेबल आइडीन पोविडोन आइडिन में आपकी 9 से 12 परसेंट जो है वो आपकी अवेलेबल आइडिन होती है सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट्स कंसेंट्रेशन आर एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसनट्रेशन जो है वो आपके एक्सप्रेस होती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरली अक्रिंग कार्बोनेटिव नेचुरली अकरिंग कार्बोनेटिव एसअोटीडर सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपेन अल्कोलोर्ड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सो ट्रोपेन अल्कोलोर्ट्स की आइडेंटिफिकेशन रहती है बिटाली मॉरिन टेस्ट से तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है सो so इसमें चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन कम होते हैं पार्टिकल्स सेटल इसमें फास्टली सेटल होते हैं पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स फॉर्म अ नेटवर्क एंड इट इज ईजी टू रीड स्पर्स ठीक है सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी स्टेटमेंट जो है ये आपकी इनकरेक्ट है सो so इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी मनी पोटेशियम टार्डरेट इज यूज एज एंटीमनी पोटेशियम टार्ड्रेट एज एन एमेटिक यूज होता है तो so इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी ऑफ जीरो जीरो नंबर हार्ड जेलिटिन कैप्सूल इज तो डबल जीरो नंबर हार्ड जेलिटिन कैप्सूल की अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी आपकी रहती है सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी एम जी सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोमोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट प्रेजेंटेड एनोमोसाइटिक स्टोमेटा आपके प्रेजेंट होते हैं डिजिटेलिस में सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एफ टू इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल्स स्टैंड फॉर शेड्यूल एफ टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का एट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल इज इम्पैक्ट सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड इज डायग्नोस्ड बाय सो टाइफॉयड के लिए डायग्नोस्टिक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है बिडाल टेस्ट सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ बाई कार्बोनेट रीअब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल इज प्रोक्सीमल कॉन्वेलेटे टिब्यूल में जो बाई कार्बोनेट रीअब्जॉर्ब होते हैं उसकी परसेंटेज आपकी रहती है एटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एच एम जी क्वनजाइम ए इनहीविटर एच एम जी क्वनजाइम ए इनहीविटर कौन सा है सो इट इज लोअस्ट स्टेटिन सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटा फिल्टर हैज़ फॉलोइंग एडवाटेज एक्सेप्ट इसमें से मेटा फिल्टर की एडवांटेज कौन सी नहीं है सो इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन तो इसमें सरफेस एरिया फ़िल्ट्रेशन के लिए काफ़ी कम रहता है सो so, ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है बाकी इसमें कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है एंड हाई प्रेसर के साथ स्टेंड करता है कोरोव लिक्विड्स को भी फिल्टर किया जा सकता है एंड केक को ईजिली रिमूव किया जा सकता है तो so, इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड मोस्ट अवेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज सो अर्थ की क्रस्ट में सेकेंड मोस्ट अवेंडेंट मेटल जो है वो कौन सा रहता है तो ये आपका रहता है आयरन सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आई पी वी पी वेरी फाइन पाउडर इज वन ऑफ वेज सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली वेरी फाइन पाउडर्स वो होते हैं जिनमें सारे पार्टिकल्स जो है वो आपके सीव नंबर वन ट्वेंटी से पास हो जाते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलबिटन एस्टर्स यूज एज नॉन आइनिक सर्फेक्टेंट्स आर सो सॉल्विटन एस्टर्स जो कि आपके यूज होते हैं एज अ नॉन आइनिक सर्फेक्टेंट ये आपके रहते हैं स्पेंस सो so, इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डेपिलेटरीज आर सब्सटांस विच सो डेपिलेटरीज ऐसे सब्सटांसेज होते हैं जो कि आपके रिमूव करते हैं हीयर्स को विदाउट रिमूविंग स्किन सो इसमें आपका ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग यहाँ पे कॉलम वन में बेसिक न्यूक्लियस कॉलम टू में हर्बल ड्रग दिया गया है तो बेसिक न्यूक्लियस को करेक्ट हर्बल ड्रग के साथ मैच करना है सो फर्स्ट है आपका ट्रोपेन ट्रोपेन so, न्यूक्लियस जो है वो आपका प्रेजेंट होता है कोकेन में देन आता है आपका क्यूनोलिन क्यूनोलिन जो है वो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्यूनिन में देन है आइसोक्यूनोलिन आइसोकिनोलिन इज प्रेजेंट इन एमेटिन देन है इमिडाजोल इट इज प्रेजेंट इन पिलोकापिन एंड प्योरिन इज इन कैफीन सो इसमें आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रोंस मेडल्स आर मेड अप ऑफ सो ब्रॉन्ज मेडल्स आपके कोपरेंटिन से बने होते हैं सी यू एंड एस एन सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोफ्लेविटिस इज कोज बाई सो थ्रोम्बोफ्लेविटिस जो है वो आपका कोज होता है थ्रू इंट्रावेनस रूट सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ वन ड्रग विच इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय द अदर इज तो so, किसी एक ड्रग का अगर एक्शन जो है वो किसी दूसरे ड्रग से इंक्रीज होता है तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है सिनर्जिज्म सो so, इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ग्लूकोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव्स तो डी ग्लूकोज की सिंपल रिडक्शन की जाएगी तो इट विल गिव ओनली सॉलबिटोल सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशंसी ऑफ फॉलेट कोजेज सो फॉलेट की डेफिशियंसी जो है इट कोज मैक्रोसैटिक अनिमिया एज वेल एज़ मेगेलो ब्लास्टिक अनिमिया तो इसमें मैगेलो ब्लास्टिक अनीमिया भी आपका रहेगा मैक्रोसैटिक अनिमिया भी रहेगा फर्स्ट कंडीशन में आप मेगेलो ब्लास्टिक अनीमिया लगा सकते हैं सो ऑप्शन बी जो है वो विल बी द करेक्ट आंसर बाकी किसी किसी बुक में आपका मैक्रोसैटिक अनिमिया भी आपका डेफिशेंसी सिंड्रोम दिया गया है फॉलेट में तो यहाँ पे आज के 200 हंड्रेड एम सी हमारे कंप्लीट होते हैं तो so, हमने इस पर्टिकुलर सीरीज़ में टोटल एट वीक्स कवर कर लिए हैं तो एट वीक्स में हमने प्रीवियस जो फर्स्ट फोर वीक्स थे उसमें भी टू हंड्रेड एन क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वो भी आपकी अराउंड फिफ़्टी मिनट्स की वीडियो है तो so, उसमें आपको दो सौ एम सी क्यू क्वेश्चन ईजीली मिल जाएंगे तो so, आप वो वीडियोस देख सकते हैं दोनों को सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच